रोजगार जेएसके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत जो है कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। हम इसकी ऑफिशियल साइट पे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑफिशियल साइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और यहाँ से अपना फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यूनिट दिया हुआ है या वर्कशॉप, यहाँ पे देखिए गोरखपुर, यहाँ पे देखें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में कितनी वैकेंसी है 411 और यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है आपका। किस वर्कशॉप यूनिट में कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस विभाग में कितने स्लॉट खाली है, यहाँ पे दिया हुआ टोटल 1104 वैकेंसियाँ हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। अब इसको जो है कैटेगरी वाइज कैटेगराइज भी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए वर्कशॉप यूनिट, यहाँ पे नेम दिया हुआ है मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, यहाँ पे ट्रेड जिस भी ट्रेड से आपने आरटीआई की है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिस्ट है और इतनी सारी है मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे नेम दिया हुआ है, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी सीटें देख लेंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं और टोटल यहाँ पे देखिए 411 सीटें हैं। यहाँ पे दिव्यांग के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, दिव्यांग के लिए भी सीटें हैं और आपका एक साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। इसी तरह कई और वर्कशॉप हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4% रिजर्वेशन दिव्यांग को दिया गया है, 3% रिजर्वेशन जो है एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। अब आगे मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके क्लास 10th और आरटीआई कि जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपका जो है कि सिलेक्शन होगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये शुल्क है, वहीं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस दिव्यांग और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद हम देखिए टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे जो है चेकमार्क करेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे फॉर्म को आगे फिल करने के लिए। यहाँ पे हमारा प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे ट्रेड की बात करेंगे, यहाँ पे चूज करना है कौन सा आपका ट्रेड है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपका ट्रेड कौन सा है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, मल्टीपल ट्रेड है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, आर यू डिसेबल्ड, अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, डिसेबल्ड है तो उसमें पूछ रहा है कि 40% से अधिक दिव्यांगता है आपके पास, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं है दिव्यांग तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ट्रेड और यहाँ पे जो दिव्यांग है तो यस यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो दिखाएगा, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड करेंगे, रीड करने के बाद यहाँ पे देखिए चेक मार्क करेंगे, चेक मार्क करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल हम फिल करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैंडिडेट नेम अपना क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो है कि नेम फिल करेंगे, यहाँ पे जेंडर बताएंगे मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर हो आप अपने अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे अपनी, एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी, यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, रिलीजियस धर्म बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन बुद्धिज्म, जो भी आपके रिलीजियस है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी को जो है कि कन्फर्म करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, 12 डिजिट का जो है कि आप आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करेंगे इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी बताएंगे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कम्युनिटी आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, जो ऊपर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे उसी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इस कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करके आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से अगर कोई है, अगर चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आप सेलेक्ट करेंगे, या चाइल्ड ऑफ सर्विंग जवान्स, अगर इसमें से कोई नहीं है तो सीधे नन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नियरेस्ट अपना रेलवे स्टेशन लिख देंगे, जो आपको सबसे नज़दीक में रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा जब आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एड्रेस लाइन फर्स्ट और एड्रेस लाइन सेकेंड अपना कम्प्लीट एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपका विलेज है तो फर्स्ट लाइन में विलेज फिल कर दीजिएगा, सेकंड लाइन में जो कि अपना पोस्ट, अगर विलेज टाउन या सिटी जो भी आपका हो आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट बताएंगे किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो मल्टीपल स्टेट हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस जो आपका है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आप उसे फिल करेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड
फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए एड्रेस कम्युनिकेशन और यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, सेम डिटेल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर आप अलग अलग फिल करना चाहते हैं प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे चेक मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास टेंथ की डिटेल फिल करेंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर जो है कि फिल कर देंगे, अपना क्लास टेंथ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, अपने अकॉर्डिंग जो अपने बोर्ड का नाम जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे इस लिस्ट के माध्यम से। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई बोर्ड, अगर आप अपने बोर्ड का नाम अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स, कितने नंबर आपको मिले थे और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे आप फिल करेंगे, आपका परसेंटेज जो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसमें पासिंग ऑफ ईयर बताएंगे, किस सन में आपने क्लास टेंथ पास की थी, इस लिस्ट के हिसाब से आप ऐसे फिल कर लेंगे। अब RTI इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर है, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो है कि फिल करेंगे और इसके बाद अपने RTI स्कूल का जो है कि नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर पासिंग ऑफ ईयर बताएंगे, कब आपने RTI पास किया था, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्टेन मार्क्स, कितने नंबर आपको मिले थे, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जितने टोटल कितने नंबर थे, यहाँ पर देखिए 76% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, यहाँ पर देखिए कैप्चर कोड जो है कि आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, इस फॉर्मेट में जो है अपना डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, कैप्चर कोड को फिल करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको सामने शो होगा। यहाँ पे देखिए नेम आपका शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और मदर नेम, फादर नेम और ट्रेड। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने चीज़ों को हाइड कर दिया है। यहाँ पे स्टेटस में देखिए शो हो रहा है नॉट फुल्ली रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हम यूनिट प्रेफरेंस को फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए 9 ऑप्शन है, इसमें जो है कि अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी सीटें दिखे हैं अपने अकॉर्डिंग जो है आप एक प्रेफरेंस को दीजिएगा। इस तरीके से 9 ऑप्शन को आपको जो है कि कंप्लीट करना है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, किसको पहला प्रेफरेंस देना है किसको दूसरा, इस हिसाब से अपने 9 प्रेफरेंस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद जो है कि हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे लिख रहा है अपलोड लेटेस्ट कलर फोटो फ्रंट फेस सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट, तो आपका जो लेटेस्ट का फोटो होना चाहिए कितने केबी का, 5 KB से 50 KB के बीच में, वो भी JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर के लिए आपका होना चाहिए 5 KB से 40 KB के बीच में, JPG या PNG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट जो 5 KB से 300 KB के बीच आप जो PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं, जैसे फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पे क्लास टेंथ की जो मार्कशीट अपलोड करनी है ये आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है 300 KB तक मैक्सिमम। और यहाँ पे एज प्रूफ के लिए भी आप क्लास टेंथ की मार्कशीट दे सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो दे सकते हैं। RTI का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे देखिए जो आपकी कैटेगरी है SC है, ST है, OBC है या PWD है, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप उसका PDF जो है आपका डॉक्यूमेंट है उसका अपलोड करेंगे। और सारी चीज़ों को एक बार हम अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमारा फॉर्म जो है कि कम्प्लीटली सबमिट हो गया है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पर्पज से मैंने चीज़ों को हाइड कर दिया है। यहाँ पे स्टेटस में देखेंगे एप्लीकेशन कंप्लीटेड शो कर रहा है। अगर आप अपना प्रिंट कहाँ से प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे होम के बगल में एप्लीकेशन प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का आपके सामने शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करके आप सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।